बार फिर से स्वागत है जी हमारे इस बड़े ब्यूटीफुल कलरफुल और बहुत ही लाजवाब यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है शेफ नमन। और हमारी एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी सीरीज चल रही है जो कि है शेफ नमन्स कल्नरी वर्ल्ड। मैं आपको अपनी कल्नरी की दुनिया, उसकी छोटी छोटी डिटेल्स, बारीकियां और जो होटल मैनेजमेंट में सिखाते हैं ना फर्स्ट ईयर में सेकेंड ईयर में जो बेसिक सिखाते हैं उसके अंदर वो सारी चीजें बता रहा हूँ जो आप अपने घर में अपनी कुकिंग में यूज कर सकते हो। तो ऐसे ही एक टॉपिक लेके आए जी आज हम। बेसिकली क्या होता है ना, जितनी भी हमारी सब्जियां हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हमारे आसपास, जैसे आप मंडी जाते हो तो बहुत सारा कुछ आप देखते होगे, ते हरेक वेजिटेबल ते हरेक फ्रूट दी ना एक कैटेगरी होंदी है। बेसिकली क्लासीफाई किया जाता है हरेक वेजिटेबल नू एक पार्ट ऑफ द प्लांट के हिसाब से, मतलब कि जेड़ा पार्ट है ना उस प्लांट का उसके नाम से उस वेजिटेबल नू क्लासीफाई किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जे आप गल करिए ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की, तो जिन्हें भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है ना जिम्मे पालक है, स्पिनिच है, यह सारे ना लीव्स होंगे किसी प्लांट के, यह पत्ते है। जे आप गल करिए कॉलीफ्लावर ते ब्रोकली दी, जिवें नाम च आ गया कॉलीफ्लावर तां इह किसे प्लांट दा फ्लावर है, इह फ्लावर वेजिटेबल हुंदे आ। उहदे नाल जे आप गल करिए जी बड़ी इंटरेस्टिंग गल दसण लग्गा थानू मैं, टमेटोज, बेल पेपर्स, कैप्सिकम, इह सारियां चीज़ां है तां देखो सब्जी पर इक प्लांट दा फ्रूट हैगा, इह इहनां नूं कहिंदे आ फ्रूट वेजिटेबल्स। ते इसे तरीके नाल अज आप गल करन लगे आ इक बहुत इंटरेस्टिंग कैटेगरी दी जो अपनी हैल्थ लई बहुत वधिया ते मेरी तां वन ऑफ द फेवरेट है जी, उह है जी रूट वेजिटेबल्स। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲੋ ਦਾ ਸੋਇਲ ਗਰੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਰੂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਰੂਟ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ। ਇਸ ਦੇ ਬੜੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੂਲੀ, ਰੈਡਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਇੱਕ ਰੂਟ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਆਪਣੀ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਗਾਜਰ, ਕੈਰਟਸ, ਗਾਜਰਾਂ ਦਾ ਹਲਵਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗਾਜਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰੂਟ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਿਲੋ ਦਾ ਸੋਇਲ ਗਰੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਗਾਜਰਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਗਾਜਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਪੀਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਕੱਟਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਈਸਿਸ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰ ਪਾਓਗੇ, ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ ਇਹ ਮੈਥਡ। ਤੋ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਫਿਰ ਸੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਹਮਾਰੀ ਮੇਨ ਕਿਚਨ ਮੇ। ਔਰ ਆਜ ਹਮ ਆਪਕੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ ਗਾਜਰੇ ਢੇਰ ਸਾਰੀ। ਤੋ ਗਾਜਰੋਂ ਕੋ ਕਾਟਤੇ ਕੈਸੇ ਹੈ ਜੀ, ਇਨਕਾ ਹਮ ਬਾਤ ਕਰੇਂਗੇ, ਇਸਕੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਕੱਟਸ ਹੈ ਵੋ ਆਪਕੋ ਬਤਾਏਂਗੇ। ਤੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਜੀ ਗਾਜਰ ਕੋ ਵਾਸ਼ ਕੀਆ ਔਰ ਉਸਕੋ ਪੀਲ ਕਰ ਲਿਆ। तो जब भी आपने गाजर को काटना है सबसे पहले तो उसका जो साइज है ना वो उस तरह से रखो कि आप उसको हैंडल कर सको। तो इस गाजर को मैंने 1/2 कर लिया और इसको मैं हैंडल कर सकता हूँ इजीली, छोटा सा साइज है, इजीली हैंडल हो जाएगा। तो सबसे पहले जी इसके हम जूलियन बनाएंगे। जूलियंस के लिए गाजर को हमने स्लिट करना पतला सा और इसका एक सरफेस तैयार कर लेना ताकि ये हिले नहीं। अब ये देखो आराम से बैठ गई ना गाजर। तो सरफेस सेट करने के बाद हमने क्या करना है जी, 1 और 2 mm के पतले पतले स्लाइसेस निकालने हैं। आपने सही सुना, 1 से 2 mm इतना पतला स्लाइस हमने निकालना है और ये ऐसे हम स्लिट्स इसके करते रहेंगे। तो ये देखो जी पतले पतले स्लाइसेस आ गए। अब हमने क्या करना है, 2 या 3 के पेयर बना लेंगे हम और उसके बाद फिर से 1 या 2 mm पे इसको हम कट करेंगे जो कि ये जूलियन बन जाएगा हमारा। ये होते हैं हमारे गाजर के जूलियन। इसको आप नूडल्स में ऐड कर सकते हो और भी बहुत सारी प्रेपरेशंस में ऐड हो सकता है जी, सैंडविचेस में जा सकता है, सैलड्स में जा सकता है। तो गाजर के जो जूलियन है इस तरह के होने चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ कि इनका जो शेप है, इनका जो आकार है, बिल्कुल देखो बराबर सा है और ये इस तरह के जूलियन जो है हमारे होने चाहिए। देखो कितने बढ़िया लग रहे हैं ना। तो ये तरीका था जी गाजर के जूलियन काटने का। अब अगर हम बात करें कि गाजर के हमने ब्रुनुआज काटने हैं, ब्रुनुआ भी एक बड़ा अच्छा सा कट होता है जी। ब्रुनुआज काटने के लिए क्या करना है जी, यही जूलियन बनाएंगे दोबारा। तो मैं दूसरा पेयर यूज कर लेता हूँ, इसके पतले पतले अपने जूलियंस बना लेने हैं। अब हमने क्या करना है जी, इसको कर देना रोटेट इस तरह से। जूलियंस बन गए, जूलियंस को करा रोटेट और फिर से 1 से 2 mm पे इसको कट करेंगे। मतलब बिल्कुल छोटे छोटे क्यूब्स बनाने हैं हमने जो कि ब्रुनुआज कहलाते हैं। ये देखो कितने सुंदर छोटे छोटे क्यूब्स बन रहे हैं ना जी। ये चीज जो है ब्रुनुआ होती है, देखो है ना, बड़े इंटरेस्टिंग सी लग रही। छोटे छोटे क्यूब्स बन गए हैं सारे, सबका आकार दिख रहा है सेम था। तो देखो जी सबकी शेप आपको एकदम से एक सार दिख रही होगी। तो मैं सारे ये ब्रुनुआज रेडी कर लेता हूं और उसके बाद हम अगला कट जो है कैरेट का करेंगे। ते जूलियन ते ब्रुनुआज करन तो बाद हुण आपां बनाउण लगे हां जी गाजर दे बेटन्स। बेटन्स बेसिकली वो शेप हुंदी है जिहड़ी फ्रेंच फ्राई कट हुंदा, जिवें फ्रेंच फ्राईज हुंदियां उस कट नूं बेटन कहिंदे आ। ते गाजर नूं मैं पहलां हैंडलेबल शेप दे विच कन्वर्ट कर रहा ताँ कि मैनूं ईजीली हैंडल कर सकां। ते इहदे एजिस नूं आपां ट्रिम कर लिता होर नीटनेस वास्ते। ते हुण देखो जी आपां की करना, जिवें पहलां आपां
बिल्कुल पतला जिहा बेस बनाया सी ओहो जिहा एक बेस बनावांगे। बेस बनाने तो बाद आपां इसनूं कट करांगे जी 5 mm दी थिकनेस, अद्धा सेंटीमीटर, ठीक है जी, अद्धा सेंटीमीटर ते कट करो। तो हुण देखो जी ये जिहड़े स्लाइसिस अपने को लाए ने इन्हां नूं तुसीं एक एक दे पेयर दे विच, दो दो दे पेयर दे विच लै लो। तो फिर तो आपां कट करांगे जी 1/2 cm ते। तो ये जिहड़ा कट आया इहनूं कहिंदे आ जी बेटन। आ देख लो है ना फ्रेंच फ्राई कट, जिदा फ्रेंच फ्राइज होंदियां साडियां उस तरह का कट है, इहनूं कहिंदे ने जी बेटन। इहदा दूजा नाम है जार्डिनेयर। तो हुण जी आपां इसे चीज़ तो एक होर चीज़ ड्राइव करांगे जो कि है साडा समॉल डाइस। छोटे डाइसिस किवें करने आ, सेम आपां 5 cm ते कट करके जार्डिनेयर्स बनावांगे, बेटन्स बनावांगे। तो बेटन्स नूं आपां फिर तो 0.5 cm ते, मतलब कि 5 mm ते कट करांगे जी। तो इस तरीके नाल साडे बनणगे गाजर दे छोटे छोटे डाइसिस। ये डाइसिस भी बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल ते बहुत वधिया हुंदे ने। इहनूं तुसीं डिफरेंट डिफरेंट रेसिपीज़ दे विच यूज़ कर सकते हो, फ्राइड राइस यूज़ कर सकते हो, सूप यूज़ कर सकते हो। या देखो जी किन्ने क्यूट ये डाइसिस बने हैं, आ देखो है ना मज़ेदार। तो ये है जी साडे समॉल डाइसिस। इहनूं फ्रेंच च कहिंदे ने मैसेडुआज। तो मैसेडुआज जिहड़े हैं वह बहुत सारिया रेसिपीज़ दे विच जा सकते हैं। तो इस तो बाद आप थोड़ी जी होर प्रैक्टिस कर लेने गाजर की, कि बेसिकली सिंपल जो आप स्लाइस करना हो, नॉर्मल तुसीं गाजर नूं स्लाइस करना है। तो आ देखो जी जिवें कैरेट हैगी साडे कोल, इहनूं तुसीं डायगनल स्लाइस कर सकते हो इस तरीके नाल। ये सैलड्स दे विच चले जाते हैं, बहुत सारी इंडियन सैलड्स दे विच तुसीं विआह शादियां देखिया होगा इहो जिहे डायगनल स्लाइसिस हुंदे हैं, डायमंड कट कह दिंदे इसनूं। तो यह है जी गाजर का स्लाइस। ये तुसीं डायमंड शेप बना सकते हो, बहुत वधिया लगती है जी, ये सैलड दे विच सर्व हो सकती है बहुत इंट्रस्टिंग तरीके नाल। ते होर भी एक दो स्लाइसिस मैं तुहानूं दिखा दिंदा, जिवें कि गाजर हैगी इहनूं असीं कीता 1/2। तो हाफ मून शेप बड़ी सोहनी बनती है जी इहदी, इस तरीके नाल आपां पतला पतला स्लाइस करांगे, छोटे छोटे हाफ मून जिहड़े हैं ये बन जाणगे। ये तुसीं मिक्स वैजीटेबल दे विच ऐड कर सकते हो, होर भी बथेरियां सब्जियां ने गाजर दियां सब्जियां, गाजर मटर बनती है जी उहदे विच ये ऐड कर सकते हो। तो इस तरीके नाल जिहड़े हाफ मून स्लाइसिस जे हैं ये बन जाते हैं। तो इदां ही मैं सारी गाजर नूं कट लूँगा जी, तो फिर मैं तुहानूं मिलदा हुण अगली वीडियो दे विच। देखा आपने कितने इजी और सिंपल तरीके से हम कैरेट्स के, गाजरों के डाइसेस बना सकते हैं। और ये जो डाइसेस हैं इसको आप ब्लांच कीजिए, उसके बाद आप सैलड में यूज कर सकते हो, बहुत बढ़िया है, इसको सूप्स में डाल सकते हो। फ्राइड राइस घर पे बनाना ना कभी, सब्जियों वाला चावल जो कि हम बनाते ही हैं, वेजिटेबल पुलाव टाइप बनाते हैं, उसमें इस तरीके के कट्स को आप यूज कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर, बहुत बढ़िया टेक्सचर आ जाता है। तो देखिए ना जी कितना मजेदार तरीका है, इस तरीके नूं तुसीं यूज करो अपनी कुकिंग दे विच ते तुहानूं बहुत मजा आएगा। तो मैनूं पूरी उम्मीद है जी तुसीं इस कंटेंट नूं बहुत इंजॉय कर रहे हो। तो असीं कटिंग चॉपिंग दीआं बहुत सारियां वीडियोज ऑलरेडी कर चुके हैं, तो हुण आपां बहुत छेती शिफ्ट होण लगे हैं जी कुकिंग टैक्निक्स वाल। मैं तुहानूं बेसिक कुकिंग टैक्निक समझाऊंगा, जिवें हुण बेसिक आपां कटिंग चॉपिंग दी गल्लां कीतीआं ना, इसे तरीके नाल मैं तुहानूं कुकिंग मैथड समझाऊंगा पहलां कि किन्ने मैथड्स हुंदे आ कुकिंग दे। बहुत सारे मैथड्स ना आपां गलत इंटरप्रेट भी किए हुए हैं, तो कुछ मैथड्स नूं आपां मिक्स कर देंगे, एक्चुअल मैथड्स आपां यूज ही नहीं करते घरे। वह सारिया चीज़ों बारे मैं तुहानूं एजुकेट करूंगा ताकि तुसीं अपनी किचन दे विच अपना एक वधिया जिहा इकोसिस्टम बनाओ ते अपनी कुकिंग नूं बहुत वधिया बना लो। तो देखो जी हुण जे तुहानूं ये गल्लां पसंद आ रही हैं, मैनूं तुसीं इन्नी देर तुसीं देख रहे हो, तो मैं ये कहूँगा कि जरूर सबसक्राइब करो साडे चैनल नूं। ये सारिया जिहड़ियां गल्लां ने, यह सारिया जिहड़ियां टिप्स एंड ट्रिक्स है अपने फैमिली ते फ्रेंड्स नाल जरूर शेयर करो जी, उन्हां दी लाइफ दे विच भी वैल्यू ऐड करो। ते अपनी सेहत दा ध्यान रखो जी, वधिया वधिया खाना बनाओ। मैं तुहानूं मिलदा अगली वीडियो दे विच, सत श्री अकाल।